कुछ चीजें सर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, लीडर कौन है? लीडर लीडर वो है जो आने वाले समय को पहले देख लेता है, जो भविष्य में होने वाला है, 1 साल बाद जो होगा, 2 साल बाद जो होगा, उसको पहले पता चल जाता है, उसको हम लीडर बोलते हैं। और जो समय के बाद किसी चीज को देखता है, वो उस चीज में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक समय था जब जिन लोगों ने एसटीडीपीसीओ खोले, आपने देखा होगा एसटीडीपीसीओ के बाहर बहुत सारी लाइन लगती थी, तो उन्होंने खूब पैसा कमाया एसटीडीपीसीओ से। अगर आज की बात करें सर, आज कोई अगर एसटीडीपीसीओ खोल के बैठेगा, वो अपने परिवार को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उनकी दाल रोटी का खर्चा नहीं निकाल पाएगा उस एसटीडीपीसीओ से। पेंटर खूब पैसा कमाते थे, आज कोई पेंटिंग की दुकान खोलेगा, पेंटर बनेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सेम टाइम है सर, ये इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है, बहुत कुछ होने वाला है। और हम सब लकी हैं कि हमारे पास में पूरे वर्ल्ड के आंकड़े हैं कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा वॉल्यूम किसी प्रोडक्ट से आता है, वो न्यूट्रिशन से आता है। और हमारे पास हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन है। देखिए, 3 तरह की मार्केट है दुनिया में, आप थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करना। एक है अमेरिका मार्केट, अमेरिकन मार्केट जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक रूल है कि वहां पे हाई क्वालिटी हाई प्राइस पे चीजें चलती हैं। वहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत हाई होती है और उसका प्राइस भी बहुत हाई होता है। एक होता है चाइना मार्केट। चाइना मार्केट की खूबी क्या है कि चाइना में लो प्राइस लो क्वालिटी के ऊपर में काम करता है। लेकिन हिंदुस्तान की मार्केट क्या है, हिंदुस्तान के बारे में हम थोड़ा सा समझना है। हिंदुस्तानी क्या चाहता है? हिंदुस्तानी चाहता है कि क्वालिटी तो होनी चाहिए हाई और प्राइस होना चाहिए लो, जो कभी मैक्सिमम टाइम देखने को नहीं मिलता कि हाई क्वालिटी और लो प्राइस। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी कैसे काम करता है, हम सब्जी की रेडी पे जाते हैं सब्जी लेने के लिए, हम सब्जी वाले से पूछते टमाटर क्या रेट है, तो वो बताता कि ये 10 रुपए किलो है और ये 15 रुपए किलो है। तो हिंदुस्तानी का हाथ हमेशा 15 वाले के ऊपर जाता है कि ये चाहिए, लेकिन वो क्या बोलता है, इस 15 वाले को 10 में लगा दे। तो ये मानसिकता है हिंदुस्तान के आदमी की। और हम लक्की है सर, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेट वाइज बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर पाते कि इस प्राइस पे इस क्वालिटी के न्यूट्रिशन मिल सकते हैं। रेट वाइज बहुत कम है, बिलीव नहीं, विश्वास नहीं करेंगे आप, इन रेटों पे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट मिलते हैं। और क्वालिटी वाइज सर इतना ऊपर है कि उसका मुकाबला किया नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। हमारे पास जो चीज होती है ना, हम उसकी इंपोर्टेंस कम समझते हैं। न्यूट्रीचार्ज हमारे पास है, बहुत सारे लोग हैं जो अदर कंपनीज में काम करते हैं, उनके पास जो न्यूट्रिशन है उनका रेट बहुत हाई है, और वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि काश न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट, ये क्वालिटी और इस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं तो हम क्या कर जाते हैं। तो इस चीज की इंपोर्टेंस हमें समझनी है सर। मैं थोड़ा सा बिजनेस का फ्यूचर और विजन के ऊपर में 5 मिनट का स्क्रीन शेयर, जी हो गई, एक बार अरविंद सर देखना स्क्रीन आ रही है क्या। सर स्क्रीन आपकी अभी दिखाई नहीं दी है, अब जी अब आ रही है सर, अब आना शुरू हुई, जी सर चालू हो गई सर, बिल्कुल आ गई सर। थोड़ा सा सर मैं कुछ चीजों के बारे में आपसे शॉर्ट में बात करूंगा, ज्यादा लंबा टाइम में आपका नहीं लूंगा। वेलकम सर, लगेगा जो भी आपके पास मैनेज कर सकते हैं, आप जितना अच्छा गाइड कर सकते हैं सर, जो भी पॉसिबल है। थैंक यू सर, तो वेलकम है सर आप सभी का। और आज एक सक्सेस का फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। हमें इस इंडस्ट्री में काम क्यों करना चाहिए और हमें न्यूट्रीचार्ज के ऊपर में फोकस क्यों करना चाहिए, वो दोनों चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं पूरी दुनिया में, यानी 4 क्वाड्रेंट हैं इसमें। इस चीज को आपने पहले कई बार देखा होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आज बताने का प्रयास करता हूं ये 4 क्वाड्रेंट क्या है, है ना। आपको आसानी होगी आरसीएम करने में, आपको आसानी होगी न्यूट्रीचार्ज पे काम करने में, आपको आसानी होगी सेल करने पे। पहला क्वाड्रेंट है जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज, है ना। दुनिया में जितने भी लोग पढ़ लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में वो क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग नौकरी करते हैं। और जो एम्प्लॉइज होते हैं, ये क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉइज क्या करते हैं, थोड़ा सा एम्प्लॉइज के बारे में हम समझते हैं कि नौकरी क्या होती है। एम्प्लॉइज ये जॉब करते हैं और इनकी इनकम दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। अभी अरविंद सर बार बार बोल रहे थे कि अगर हम कोई नौकरी करते वहां भी हमें 10-12 घंटे काम करना पड़ता, और बिल्कुल सही है सर कि 10-12 घंटा वहां भी काम करना पड़ता और वहां पे संभावनाएं ना के बराबर हैं ग्रोथ की। यहाँ पे अगर हम 10-12 घंटा काम करते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड संभावनाएं हैं, हमें काम करना पड़ता है, वहां भी जॉब करते हैं, उसमें हमारी इनकम है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। हम काम करते हैं पैसे के लिए, वहां पे हम काम करते हैं हमें पैसा मिलता है। और थोड़ा सा
बिल्कुल सही चल रहा है सर आपका। और जैसे ही हम काम करना बंद कर देते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है, और इस क्वाड्रेंट में जितने भी लोग होते हैं, जो भी लोग नौकरी करते हैं, मैं विरोध में नहीं हूं सर नौकरी के, मेरे परिवार के मैक्सिमम लोग नौकरी करते हैं, मैं सिर्फ एक सच्चाई आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। 95% जो लोग हैं उनके पास में केवल 5% पैसा आता है। अगर इस काम के इस क्वाड्रेंट के अंदर हम रहते हैं, 95% लोग इस क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं और उनके पास में पैसे की बात करें केवल 5% पैसा होता है। और जैसे ही वो काम करना बंद करेंगे, वो टाइम लगाएंगे, उसकी वजह से पैसा आता है, यानी उनको एक्टिव इनकम आती है। जैसे ही काम करना बंद करते हैं, उनके पास में पैसा आना बंद हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट है जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉइज हम नौकरी करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉइज में कौन कौन लोग आते हैं थोड़ा सा हम समझते हैं। सेल्फ एम्प्लॉइज में इंजीनियर्स, देखिए अगर हम पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बन जाते हैं तो हम सेल्फ एम्प्लॉइज हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, या हमारी कोई दुकान है। कई सारे दुकानदार बोलते हैं कि हम बिजनेस करते हैं। देखिए दुकान, अगर हमारी एक छोटी दुकान है, एक दो एम्प्लॉइज हमारे साथ नीचे काम करते हैं, तो इसका मतलब हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम सेल्फ एम्प्लॉइज हैं, है ना, हम अपना खुद का धंधा कर रहे हैं, हम किसी के नीचे नौकरी नहीं करते। इसमें क्या होता है, हम खुद काम करते हैं, खुद अपने धंधे को चलाते हैं, और इसमें है ना सारा का सारा काम हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम काम करेंगे, हमारा काम चलता है, हम काम करना बंद कर देंगे काम, आप चाहकर भी, अगर आप दुकानदार हैं, आप चाहकर भी 2 महीने के लिए कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आप पूरा का पूरा बिजनेस को अपने एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड नहीं छोड़ नहीं सकते, वो नहीं चल पाएगा। और इसमें भी डिपेंड करता है, आपकी जो इनकम है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उससे आपके पास पैसा आता है। यानी अगर सही ढंग से इसको भी समझा जाए, अगर आप दुकानदार हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा आ रहा है, एक तरह से इसकी भी इनकम जो आती है उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन। अब ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं, ये फैक्ट्री लगाते हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं जहां पे हजारों लाखों लोग काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं और उनकी वजह से इनके घर में पैसा आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं कि बिजनेस किस चीज को बोलते हैं। एक छोटी सी दुकान को बिजनेस नहीं बोलते, एक बड़ी सी इंडस्ट्री, बड़ा सा सेटअप, बड़ी सी फैक्ट्री को हम बिजनेस बोलते हैं जहां पे लाखों लोग, जैसे मुकेश अंबानी बिजनेस करते हैं। अगर आप रिलायंस डिजिटल पे जाते हो, आप टीवी लेना चाहते हैं, तो मुकेश अंबानी आपको टीवी नहीं दिखाते कि कौन सा टीवी आपको लेना चाहिए, उनके एम्प्लॉइज आपको टीवी दिखाते हैं। तो बिजनेसमैन इसको बोलते हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं दुनिया में, वो ये 2 कैटेगरी कमाती है। तो बिजनेसमैन जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो काम कितना करते हैं, वो काम कम भी करते हैं तो भी उनका काम चलता है, उनका बिजनेस चलता है, और बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम आती है, यानी वो काम ना भी करें तो भी उनके घर में पैसा आता है। और चौथी कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर। सबसे अच्छी जिंदगी, सबसे ज्यादा पैसा अगर दुनिया में कोई कमाते हैं वो इन्वेस्टर कमाते हैं, है ना, सबसे अच्छी जिंदगी ये जीतते हैं, सबसे बड़ा पैसा इनके पास होता है। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सर, जितने भी लोग आज इस सिस्टम को समझ रहे हैं, हो सकता हम जॉब कर रहे हो सकता हमारा कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉइज हो, है ना, लेकिन इस बिजनेस को अगर हमने समझ के पार्ट टाइम